हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रीकिंग कॉमर्स। मैं हूं शिवम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना टॉपिक दैट इज न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ अकाउंटेंसी, जो कि चैप्टर नंबर 3 का है। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को ये निकालने में, इसलिए मैंने सबसे पहले पिक यही टॉपिक करा है। सो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए आपको बेसिक 4 केसेस दिए गए हैं। 4 केसेस हमारे पास हैं जिसके थ्रू हम लोग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना सीखते हैं। सो केस 1 एंड केस 2 हम डिस्कस करेंगे, देन केस 3 एंड केस 4 डिस्कस करेंगे। बहुत आराम से समझिएगा, बहुत ईजी टॉपिक है, जस्ट थोड़ा सा आपको दिमाग यूज करना होगा, बाकी सब आराम से समझ में आ जाएगा। सो हम केस 1 स्टार्ट करते हैं। ये चेंज इन पीएसआर का नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब चेंज इन पीएसआर आपका चैप्टर नंबर 2 है, ये चैप्टर नंबर 3 है, जो एडमिशन ऑफ अ पार्टनर का सबसे पहला टॉपिक है, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो केस वन क्या हमारे पास, जहां पे आपको एक ओल्ड रेशियो दे रखा है। क्या दे रखा है? ओल्ड रेशियो दे रखा होगा, जैसे आपको बता रखा है A:B पार्टनर्स हैं 3:2 रेशियो के लिए, सही है। हमारे पास क्या दे रखा है? एक ओल्ड रेशियो दे रखा है, मतलब ए और बी पार्टनर्स आपस में शेयर करते हैं 3:2 रेशियो में जो भी प्रॉफिट उनके पास होता है। अब उन्होंने बोला, उन्होंने एक नया पार्टनर एडमिट करा, जो न्यू पार्टनर है वो सी है। न्यू पार्टनर कौन है? सी, जो कि 1/5 शेयर के लिए आ रहा है प्रॉफिट्स में। मतलब इसमें आपको यह बता दिया कि ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2 का, और यह बताया कि सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, मतलब जब भी प्रॉफिट बटेगा सी उसमें से 1/5 ले लेगा, ठीक है। 1/5 प्रॉफिट कौन लेगा? सी लेगा। अब कंडीशन यह है, वो कहते हैं कि अब आपको न्यू रेशियो निकालना है किसका, ए का, बी का एंड सी का। क्वेश्चन में इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रखे। सो आपका क्वेश्चन सिर्फ इतना है, ओल्ड रेशियो दे रखा होगा एंड सी का शेयर दे रखा होगा। आप इसको सॉल्व कैसे करोगे? सबसे बेसिक फंडा है, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके जैसे ब्रदर सिस्टर्स हैं, दो भाई हैं ए और बी, अगर सी वेकेशंस पे आ रहा है, छुट्टी पे आ रहा है, तो उसे भी पैसे चाहिए होंगे। वेकेशंस पे जब आएगा तो खर्च तो वो भी करेगा, तो उसने आगे सीधा बोल दिया कि मैं 20 रुपए लूंगा आपसे, तो उस टाइम पे आपके पेरेंट्स कैसे डिवाइड करते हैं? देखो, पैसे उतने ही हैं जितने पहले मिलते थे। जैसे हम मान लेते हैं 100 रुपये मिलते थे आपको, तो आपके फादर क्या करेंगे? अब वो सबसे पहले तो देंगे नए वाले को, बाहर से आया, वेकेशन पे आया, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो इसी की बनती है, तो सबसे पहले 20 रुपये किसको मिल जाएंगे? सी को मिल जाएंगे। बाकी बचे 80 रुपये, वो किसके पास जाएंगे? वो आप दोनों को मिलेंगे। हमें भी यहाँ पे यही करना है, हम क्या करेंगे, लेट टोटल शेयर ऑफ अ फर्म, हम टोटल शेयर फर्म का कितना मान लेते हैं? 1 मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं? 1। सो टोटल शेयर कितना हो गया फर्म का? 1 हो गया। अब सबसे पहला काम क्या है जो आपके पेरेंट्स ने करा था? सी को सी का हिस्सा दे दिया था। हम भी यही करने वाले हैं, हम क्या करेंगे, सी को सी का हिस्सा दे देंगे। तो जो बचेगा वो किसके लिए बचेगा? ए और बी के लिए बचेगा। दैट इज रिमेनिंग शेयर ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू, टोटल था 1, उसमें से हमने 1/5 सी को दे दिया, बचा कितना? 4/5। ये किसके लिए बचा? ये ए एंड बी के लिए बचा, सही है। ये हम किसको दे रहे हैं? 1/5, ये हम दे रहे हैं सी को। तो जो बच के आएगा 4/5, ये किसके लिए बच के आएगा? ए एंड बी के लिए बच के आएगा। अब क्या होगा? अब जैसे बता ना, 80 रुपीज कौन डिवाइड करेगा? ए और बी आपस में डिवाइड करेंगे। इन अ सेम वे 4/5 कौन डिवाइड करेगा? ए एंड बी। लेकिन बांटेंगे कैसे? ओल्ड रेशियो में। तो अब आपके पास ए का न्यू शेयर कितना हो गया? A's न्यू शेयर इज इक्वल टू 4/5 को बांटना है 3:2 रेशियो में। सो A को कितना मिलेगा? 3/5 मिलेगा, किसका? 4/5 का। B को कितना मिलेगा? सो B's का न्यू शेयर कितना हो गया? 2/5 ऑफ 4/5। ध्यान रखिएगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है वो बाद में आता है, जो भी डिस्ट्रीब्यूट होता है वो बाद में आएगा। सो 2/5 और 4/5, 3/5 और 4/5। ये बताइए सी को कितना मिल रहा है?
सी तो मालूम है हमें पहले से ही कि 1 बाय 5 के लिए आ रहा है. सो दिस इज 12 बाय 25, दिस इज 8 बाय 25, दिस इज 1/5. सो देखो नीचे डिनोमिनेटर में 25 है, हमें इसको भी 25 करना है तभी तो रेशियो बनेगा. सो मैं किससे मल्टीप्लाई करूं एंड डिवाइड करूं कि ये नीचे 25 आ जाए, इट्स 5. सो हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड 5 से डिवाइड करेंगे, सो इट बिकम्स 5/25. सो न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू 12/25, 8/25, 5/25, दैट इज 12:8:5. यही हमें फाइंड करना था, बहुत सिंपल है. सबसे पहला काम है आपका वन शेयर मानना, और जो सी आ रहा है कि मुझे शेयर दे दो, मुझे शेयर दे दो, सबसे पहले तो उसके मुंह पे मारो उसका शेयर, 1/5 बोले ले जा. बाकी जो बचेगा वो कौन लेगा? ऑब्वियसली ए और बी लेंगे, तो हमने ए और बी ने आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. सो दिस इज योर फर्स्ट केस. आप चाहो तो पेन एंड कॉपी लेके इसको नोट कर सकते हो, हेल्प मिलेगी आपको समझने के लिए, नहीं तो आप दोबारा से देख सकते हो, आराम से समझ में आ जाएगा. कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि नहीं आता हमें, ये फर्स्ट केस है. एंड फर्स्ट केस में हमेशा ध्यान रखिएगा, जो हमारा ओल्ड रेशियो होता है वही सेम हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी होता है. ये सिर्फ फर्स्ट केस की बात है. अब हम स्विच करते हैं केस नंबर टू पे. केस नंबर टू में हमें क्या दे रखा होगा? केस टू में आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है, ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2 का, किसका? ए एंड बी. और आपको बता रखा है सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए. किसका रेशियो दे रखा है? ए एंड बी का रेशियो दे रखा है. सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, ये भी हमें बता रखा है. अभी तक का तो सेम है, नया क्या है? नया ये है जब 1/5 के लिए आता है तो अब इसके कंडीशंस और बढ़ जाती हैं. अब देखो भाई, अगर नया तुम्हारा भाई कजन वजन बाहर से वेकेशन पे आ रहे हैं तो उनके नखरे तो बहुत ज्यादा होते ही हैं, ये भी नखरे करना स्टार्ट कर देता है. क्या बोलता है? मैं 1/5 तो लूंगा लेकिन 1/5 भी मैं 2:1 रेशियो में लूंगा ए एंड बी से. मतलब भैया जब ये आएगा तो बता देगा, बोले मुझे 20 रुपए चाहिए तो 20 रुपए को आप डिवाइड करके दो, 3:2 रेशियो, 2:1 रेशियो, 1:2 रेशियो, किसी भी रेशियो में मेरे को दो. यहां वाला जो आया था ये सीधा साधा सा था, बोले बस मुझे 20 रुपए दे दो, कैसे भी दे दो बस दे दो. इसने आके नखरे दिखाने चालू कर दिए, बोला 1/5 लूंगा लेकिन किस रेशियो में लूंगा? 2:1 में लूंगा. तो हमने कहा चलो ठीक है, हम सबसे पहले अब ये देखते हैं कौन कितना दे रहा है. सबसे पहले आपको क्या निकालना है? कौन कितना दे रहा है? दैट इज सेक्रीफाइसिंग शेयर. ध्यान रखिएगा रेशियो से मतलब नहीं है, हमें हमेशा शेयर से मतलब होता है. सो हम सबसे पहले निकालेंगे ए ने कितना सेक्रीफाइस करा. यहां से अब आपका सॉल्यूशन स्टार्ट होता है, ये आपको क्वेश्चन में दे रखा था. सो सॉल्यूशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले आप शेयर निकालोगे. ए सेक्रीफाइसिंग शेयर इज इक्वल टू, अब ए ने कितना सेक्रीफाइस करा? 2/3 दिया, किसका? 1/5 का. सबसे पहले आप इन दो को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे. So 2/3 of 1/5, 2/3 of 1/5. बी ने कितना सेक्रीफाइस करा? 1/3 of 1/5. यहां से आपको सेक्रीफाइसिंग शेयर निकल के आएगा कि कौन कितना सेक्रीफाइस कर रहा है. मतलब ए 2/15 दे रहा है, बी 1/15 दे रहा है, और हमें हमेशा शेयर से मतलब होता है, रेशियो से मतलब नहीं होता है. ध्यान रखिएगा रेशियो से कोई काम नहीं है, हमेशा काम किससे होगा? शेयर से होगा. ये बेकार है, ये यूजफुल है शेयर. अब देखो ये पता चल गया, ए ने 2/15 दिया, बी ने 1/15 दिया, तो अब सबसे पहले ए को बुलाओ. बोले ए आ गया, बोले ये बता तेरे पास पहले कितना था? पूछो ए से कितना था इसके पास? बोला मेरे पास 3/5 था. बोले कितना दे दिया? बोले 2/15 दे दिया. सही है, ए से सबसे पहले बुला के पूछो कि कितना था, वो बताएगा 3/5 हुआ करता था पहले. नए वाले के आने से कितना दे दिया? बोले 2/15 मैंने दे दिया. फिर बी को बुलाना, बी से पूछना, बोले बी तेरे पास पहले कितना था? वो कहेगा 2/5 था. बोले तूने कितना दिया? बोले 1/15 दे दिया मैंने. ए से पूछो कितना बचा? बोला निकाल लो, मुझे क्या पता कैसे बचा. सो 5 3 9, ठीक है, 15 1 15 2, दैट इज 7/15 बचा ए का. बी का कितना बचा? बी भी यही बोला, बोले खुद ही निकाल लो, मेरे से क्या पूछ रहे हो. ये हो गया 6 6 - 1, दैट इज 5/15. अब सी को बुलाओ, सी का कितना है? देखो सी तो खुशी खुशी बोला मेरे को 1/5 मिला है,
अब देखो यहां पे वही सेम चीज, नीचे डिनोमिनेटर 15, यहां डिनोमिनेटर 15, यहां पे 5, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 आ जाएगा, ये डेट बिकम 3/15। अब आपके पास क्या मिल गया, आपको न्यू रेशियो मिल गया, सो डेट इज 7:5:3, दैट इज कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो। ये दो केसेस हो गए हमारे पास, ये इंपॉर्टेंट केस है, ये काफी बार आपको एग्जाम में मिल सकता है। सो 3 मार्क्स में आता है अगर नॉर्मल आएगा, वरना नहीं आएगा। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में हमें हेल्प करता है वैल्यूज फाइंड करने के लिए। सो दैट इज 2 केसेस, केस नंबर 1 एंड केस नंबर 2। इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। सो अब केस नंबर 3 की तरफ आते हैं हम लोग। केस नंबर 3 जो है वो आपके पास डायरेक्टली शेयर का केस होता है। कौन सा केस होता है, डायरेक्टली शेयर का केस है। केस नंबर अभी 4th भी हम स्टार्ट करेंगे। सो आपको नोट डाउन करना है तो आप केस नंबर 2 तब तक नोट डाउन कर लीजिए। नाउ कम्स योर केस नंबर 3। अब केस नंबर 3 है क्या, केस नंबर 3 में हमें ओल्ड रेशियो दे रखा होगा 3:2 का, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, ये चेंज भी हो सकता है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं 3:2। सी आ रहा है 1/5 शेयर के लिए, कितने के लिए आया, 1/5 शेयर के लिए, अभी तक तो सेम है। अब आगे इसने बताया मैं 1/10 शेयर लूंगा ए से एंड 1/10 शेयर लूंगा मैं बी से। सो ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। देखो कहने का मतलब क्या है, जैसे सी आ रहा है बोला 20 रुपए के लिए आ रहा हूं मैं, कितने रुपए लूंगा मैं, 20 रुपए लूंगा। अब 20 रुपए लेगा तो ये बता रहा है, बोला 10 रुपए ए वाले भैया देंगे, 10 रुपए बी वाले भैया देंगे, मतलब सीधा आके बताता है कि मुझे 20 रुपए चाहिए, और 20 रुपए कौन कितना देगा, 5 रुपए देगा, 10 रुपए देगा, 20 रुपए देगा। सो यहां पे इसने बता दिया 1/5 लूंगा मैं, और 1/10 कौन देगा, ए देगा, 1/10 कौन देगा, बोला बी देगा। समझ में आता है, मतलब ये जो दे रखा है ये सीधा सीधा क्या दे रखा है, शेयर दे रखा है। इस वाले केस में हमें शेयर निकाला था, विच मीन्स 3rd केस में हम ऑलरेडी यहां तक पहुंच चुके हैं, मुझे ये निकालने की जरूरत नहीं है। तो सबसे पहला काम तो यहां पे यही करना है, क्या करोगे, ए को बुलाना है, क्या करना है, ए को बुलाना है और ए से पूछना है, बोले पहले कितना था, बोले 3/5, बोले कितना दे दिया, बोले 1/10 दे दिया। फिर क्या करोगे, बी को बुलाओगे, बी को बुला के पूछो पहले कितना था, बोले 2/5, बोले तूने कितना दिया, बोले 1/10 दिया। सी को बुला के पूछो भाई तुझे कितना मिला, वो कह रहा मैं तो 1/5 के लिए आया था। सो ए के पास कितना बचा, 6-1 डेट इज 5/10, इसके पास कितना बचा, डेट इज 3/10, एंड सी को कितना मिल रहा है, 1/5, और डिनोमिनेटर यहां 10 है, यहां पे 10 है, यहां 5 है, क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड, दैट इज 2/10। सो न्यू रेशियो कितना हो गया आपके पास, दैट इज 5:3:2। सो दैट इज योर 3rd केस, दैट इज द सिंपलेस्ट केस, जिसमें सिंपल से वो आके बता देता है कि मुझे कितना शेयर किससे चाहिए, ए से 1/10, बी से 1/10, बोले इससे 5 रुपए लूंगा, इससे 15 रुपए लूंगा, सिंपल से सीधी कहानी आके ये इंफॉर्मेशन दे देता आपको। So that is your case number 3. Now let's start with case number 4th, जो सबसे important case है आपका case number 4th. Case number 4th की कहानी क्या है आपके पास? ये आपको majorly सब questions में मिलता है. केस नंबर 4th ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट केस है, जो शॉर्ट क्वेश्चंस में मोस्टली आता है आपके पास, एंड ये कंफ्यूज भी करेगा आपको। ये सिंपल सरेंडर का केस है, जिसमें हम बताते हैं कि मैं अपना शेयर कितना सरेंडर करने वाला हूं, मैं अपना शेयर कितना देने वाला हूं। देखो अभी तक तो जो सी आता था ये मांगता था, जो सी आता था वो मांगता था कि मुझे 1/5 शेयर चाहिए, 1/10 इससे लूंगा, 3:2 रेशियो में लूंगा, 1:2 रेशियो में लूंगा। फोर्थ केस में अब कौन बताएगा, ए बताएगा, बी बताएगा, बोले मैं अपने शेयर का इसको इतना दूंगा। ये लास्ट केस है आपका, जिसमें आपका क्वेश्चन पहले फ्रेम कर लेते हैं हम लोग। आपको ओल्ड रेशियो दे रखा है 3:2 का, सी आ रहा है आपके लिए, पता नहीं कितने के लिए, ये नहीं बताया सी कितने के लिए आ रहा है, बट साथ में क्या बताया,
ए सेक्रीफाइसेस 1/2 ऑफ हिज शेयर एंड बी सेक्रीफाइसेस 1/3 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ सी। ये आपका क्वेश्चन हो गया जहां पे हमें ये बता दिया गया कि ए ने कितना सेक्रीफाइस करा एंड बी ने कितना सेक्रीफाइस करा। ध्यान रखिएगा यहां पे अभी सेक्रीफाइसिंग शेयर दे नहीं रखा है, सेक्रीफाइसिंग शेयर हमें निकालना पड़ेगा। ऊपर से सी कितने के लिए आ रहा है हमें ये तक भी नहीं पता, तो सबसे पहले पूछो ए ने कितना सेक्रीफाइस करा। देखो इस थ्योरी फॉर्म को हम न्यूमेरिकल फॉर्म में करेंगे तो इसका सॉल्यूशन यहां से हम स्टार्ट करते हैं। ए ने सेक्रीफाइस कितना करा है, ए ने करा है 1/2 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर का मतलब समझते हैं ए का शेयर, ए का शेयर कितना है बोले 3/5। इन अ सेम वे बी ने कितना सेक्रीफाइस करा, बी ने सेक्रीफाइस करा है 1/3 ऑफ हिज शेयर। हिज शेयर मतलब क्या हो गया, दैट इज 2/5। समझ में आता है ये चीज आपको, 1/2 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज शेयर, मतलब ए ने सेक्रीफाइस करा 3/10, बी ने सेक्रीफाइस करा 2/15। ये हमें क्या मिल गए, सेक्रीफाइसिंग शेयर मिल गए। एंड मैंने आपको बताया था हमें शेयर से ही मतलब है, रेशियो से मतलब नहीं है। सो 3/10, 2/15 ये सेक्रीफाइसिंग शेयर है। अब वही पुरानी कहानी, क्या करोगे ए को बुलाओ, ए से क्या पूछोगे कितना था, बोले 3/5 था, बोले कितना दे दिया, बोले 3/10 दे दिया। बी को बुलाओ, बी से पूछो कितना था, बोले 2/5 था, बोले कितना दे दिया, 2/15 दे दिया। अब बुलाओ सी को, क्योंकि सी को तो खुद ही नहीं पता वो कितने के लिए आया, बाकी सब केसेस में सी पता था, इस केस में सी का भी नहीं पता वो कितने के लिए आ रहा है। तो सी को बुला के पूछो, बोले सी कितना मिल रहा है, वो कह रहा है 3/10 ए दे रहा है प्लस 2/15 बी दे रहा है, अब निकाल लो मेरे को कितना मिल रहा है। सो यहां पे हमारे पास हो गया 6-3 डेट इज 3/10, 6-2 डेट इज 4/15। अब देखिए हमारे पास तीनों के डिनोमिनेटर्स अलग है, इसके 10 है, इसका 15 है, इसका 30 है। तो आप क्या करोगे, आपको इक्वल करने के लिए कॉमन नंबर चाहिए, एंड कॉमन नंबर हमारा कौन सा है 30, क्योंकि वो सबके टेबल में आ रहा है। तो 30 लाने के लिए हम यहां क्या कर सकते हैं, 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, सो दैट बिकम्स 3/9/30। यहां पे 30 हो गया, 15 2 जा, तो ये हो गया आपके पास 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, ये बन जाएगा 8/30, एंड ये 30 ऑलरेडी है तो ये 5 हो गया। सो आपका न्यू रेशियो कितना हो गया, सो न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू 9:8:5। सो दैट इज योर ऑल 4 केसेस फॉर कैलकुलेटिंग न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसका रिवर्ट भेज दूंगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रीकिंग कॉमर्स, ऐसी बने रहिएगा, आगे नई वीडियोज अपलोड करेंगे हम लोग। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, थैंक यू वेरी मच।